दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक और अपडेट के ऊपर। और आप लोग बोलोगे यार डेली एक ही चीज़ क्यों बोल रहा है, वेल आज टोटल नया है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्चिंग डेट तो सबको पता था, लेकिन फाइनली लॉन्चिंग टाइम भी कंपनी ने बता दिया है। जी हाँ, जो इनके CEO है उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बता दिया है कि किस टाइम ये इवेंट को लाइव करने वाले। और आप लोग से भी एक विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और उस दिन हम उतने बजे लाइव करते हुए मिलेंगे और साथ में चैट भी करेंगे कि आपको देखने को क्या मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज़्यादा अपन इंटरेस्टिंग बनाएंगे उस लाइव को। अब बात करते हैं ये लॉन्चिंग टाइम क्या है। दोस्तों 2 बजे इसकी लॉन्चिंग टाइम है, 2 बजे दोपहर में इसको लाइव किया जाएगा। लेकिन हालांकि लाइव थोड़ा लेट चालू होगा, लाइव होगा 2 बजे और इनके चैनल पे होगा, ओला इलेक्ट्रिक चैनल करके आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी लाइव चलेगा और साथ में हमारे चैनल पर भी लाइव चलेगा जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ये कन्फर्मेशन आ चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। स्टार्टिंग से लेकर इंजन जो कि 6 किलोवाट का होने वाला है, 135 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है उस ब्रेकिंग सिस्टम से बैटरी अगेन चार्ज होगी, जिससे थोड़ा सा हेल्प होगा थोड़ा रेंज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। 150 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगा, 2 बैटरी आपको देखने को मिलेगी इस स्कूटर में। 1.5 आवर्स में 80% चार्ज हो जाएगी ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। लाइट वेट फ्रेम देखने को मिलेगा, प्लस 5x आपको यहाँ पे थिकर बॉडी देखने को मिलती है। हालांकि ये एक फाइबर बॉडी है लेकिन काफ़ी थिक बॉडी होने वाली है, कंपनी ने ऐसा बनाया है जिससे ये रिसाइकल हो सके इन फ्यूचर अगर किसी का काम हो जाता है तो। ओला इलेक्ट्रिक पे लोग ज़्यादा क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, काफ़ी लोग नहीं भी कर रहे हैं लेकिन जो लोग कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। बिकॉज पहली चीज़ तो ओला ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहा है जो प्राइस पॉइंट में शायद दूसरी कंपनी प्रोवाइड भी नहीं करती। इवन जिस प्राइस पॉइंट में 80,000 से स्टार्ट हो रहा है, 80,000 से अगर प्राइस स्टार्ट हो रहा है तो इस गाड़ी में जो जो फैसिलिटी है शायद दूसरी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती। वहाँ पर तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में ही सारा सेटअप दे देते हैं और अगर TFT स्क्रीन भी दिया तो छोटा सा देते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्लस नेविगेशन, इसमें पूरा एक्सेस कर सकते हैं वाया बटन। रिवर्स आपको मोड मिलता है जो कि फास्टेस्ट रिवर मोड इन्होंने बोला है। 60 लीटर का बूट स्पेस है और क्या लोगे इस गाड़ी से, मतलब बहुत कुछ दे दिया इस प्राइस पॉइंट में। मेरे हिसाब से इस कारण से लोग सबसे ज़्यादा इस गाड़ी को परचेस कर रहे हैं। लेकिन एक प्रो टिप जैसे मैं बोल सकता हूँ, मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, थोड़ा वेट ज़रूर करना, गाड़ी को आ जान दो, देख लो क्या है क्या नहीं, सही है नहीं है, कैसे देखने में लगती है, पावर कैसा है, क्या स्पेस है। जब एकदम लाइव आपको देखने को मिलेगा तो समझ में आ जाएगा कि गाड़ी कैसी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।